वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं। उसको करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स कैसे टेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाई टू, टू से किसी नंबर को हम कैसे चेक करते हैं उसकी कुछ डेफिनेशन है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू, कोई भी नंबर है वो टू से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे पहचानेंगे। इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस, कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पर क्या होगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो क्या होगा वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। ठीक है, आपका नंबर है 24, लास्ट में क्या है वंस प्लेस पर क्या है 4, ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। आप देखिए एक नंबर है 376, लास्ट में क्या आ रहा है वंस प्लेस पर क्या है 6 है, मतलब ये पूरा नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए बड़ा नंबर है 7, 8, 6, 2, अब देखिए इस नंबर को डिवाइड करने में टाइम लगेगा, हम कैसे पहचानेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट से। अब देखिए इसके वंस प्लेस पर क्या आ रहा है 2, मतलब ये नंबर क्या आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक और नंबर लेता हूं मैं 28, 9, 6, 7, 0, ये नंबर है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो क्या है वंस प्लेस पर क्या है 0 है, तो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अब आया आपको समझ में कैसे पहचानेंगे नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, हम कैसे पहचानेंगे उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो मतलब वो क्या है 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से कैसे पहचानेंगे वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी डेफिनेशन है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब मतलब क्या है, जैसे ये नंबर है 376, अब क्या करेंगे इन डिजिट्स का हम सम करेंगे, 3 + 7 क्या होता है 10, 10 + 6 16, अब 16 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे नो। ठीक है, अब जैसे आपका नंबर है 33, तो क्या है 3 + 3 6, तो 6 क्या है आपका मल्टीपल है 3 का, तो मतलब ये क्या है डिविजिबल है। ठीक है, अब आया समझ में। चलिए मैं एक नंबर लेता हूं 1536, ये नंबर है। अब देखिए हम इन डिजिट्स का सम करेंगे, 1 + 5 6 6 + 3 9 9 + 6 15, 15 आया, ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, मल्टीपल है 3 का और 3 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहचानते हैं। अब देखिए जैसे 99 है 9 + 9 18, 18 3 का मल्टीपल है, यस, तो मतलब ये क्या है डिविजिबल बाय 3 है। आया समझ में। और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम 6, 3, 5, 6, 9। ठीक है, अब ये नंबर है इसको हम ऐड करते हैं, 6 + 3 9 9 + 5 क्या होगा 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 9 29 + 1 30, ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। आया समझ में। सो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, ए नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स, कोई भी नंबर है 3 डिजिट्स का और 3 से ज्यादा डिजिट का, तो अब उसको हम चेक करेंगे वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स, उसकी लास्ट की 2 डिजिट होंगी
वंस एंड टेंस, वंस प्लेस पर और टेंस प्लेस पर, इज डिविजिबल बाय 4, मतलब वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो गए लास्ट की 2 डिजिट्स। अब जैसे आपका नंबर है एग्जांपल, ठीक है, 156, ये नंबर है। अब इसको हम चेक करेंगे ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 4 से, तो कैसे चेक करेंगे इसकी लास्ट 2 डिजिट्स, वंस प्लेस और टेंस पर। अब 56 को हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड होता है क्या नहीं, 4 1 4 4 4 16, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे एक और नंबर लेता हूं मैं 2872, अब ये नंबर है, अब इसको देखना मुझे ये 4 से डिविजिबल है नहीं या नहीं। अब देखिए इसके वंस प्लेस पर क्या है, 2 है, और टेंस पर 7 है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं कर देखूंगा, मैं क्या करूंगा 72 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 4, फिर क्या है 3 कैरी है 3 32, 4 8 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये नंबर भी। इस तरीके से हम चेक करेंगे नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5, अब 5 से कैसे चेक करेंगे, ए नंबर विच हैज एदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कोई भी नंबर है उसके वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ऐसे कोई नंबर है 285, वंस प्लेस पर क्या है 5, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। एक और नंबर लेता हूं मैं 7820, अब लास्ट वंस प्लेस पर क्या है 0, ये नंबर भी क्या है 2 से 5 से डिविजिबल है, ठीक है। एक और नंबर लेता हूं मैं 77895, अब ये बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, वंस प्लेस पर क्या है 5 है, तो इस तरीके से मैं चेक करूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6, अब देखिए कैसे चेक करेंगे, इसकी डेफिनेशन है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 और बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, मतलब कोई भी नंबर है जो 2 से और 3 से डिविजिबल है दोनों से, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, 42 आपका नंबर है। आप देखिए कैसे चेक करूंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, वंस प्लेस पर क्या है 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब मैं दोनों को प्लस करता हूं, 4 + 2 = 6, मतलब ये क्या है 3 का कैसे चेक करेंगे, ये मल्टीपल है, 6 क्या है मल्टीपल है 3 का, तो मतलब ये उससे भी डिविजिबल है, तो 6 से करेंगे 6 7 = 42, ठीक है। अब देखिए एक नंबर लेता हूं मैं, बड़ा नंबर लिया मैंने 144, दिख रहा आपको ये नंबर, अब देखिए इसमें 2 से डिविजिबल है, ठीक है, अब ये 3 से है या नहीं, क्या करूंगा मैं डिजिट्स का सम, 1 + 4 = 5 5 + 4 = 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या है 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 6 2 = 12, फिर 2 कैरी गया 24, 6 4 = 24, मतलब ये डिविजिबल है। एक और नंबर लेता हूं 258, अब ये 6 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करूंगा, अब देखिए बड़ा नंबर है तो मैं कैसे चेक करूंगा, पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं, इस रूल से 8 है मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से है या नहीं, क्या करूंगा मैं सम करूंगा, 2 + 5 = 7 7 + 8 = 15, 15 क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, मतलब ये उससे भी है, तो ये 6 से भी हो जाएगा, कैसे 6 4 = 24, 6 3 = 18, आया समझ में। इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर है तो उसे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। अब 8 से चेक करना हमको डिविजिबिलिटी, तो इसकी डेफिनेशन है ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अब हमको चेक करना है 4 डिजिट से बड़ी डिजिट का नंबर, ठीक है। इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो क्या करेंगे हम, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए एग्जांपल लेता हूं मैं, 726352। अब इतना बड़ा नंबर है, अब इसको मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स लूंगा, इनको मैं 8 से डिवाइड करूंगा। चलिए मैं करता हूं 8 4 32, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर क्या है आपका, 8 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक नंबर लिया मैंने 3179502। अब देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इसको कैसे चेक करोगे आप, लास्ट की 3 डिजिट चेक करोगे, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करो इसको, 3 डिजिट्स को, 8 कितने जा, 8 9 जा 72, मतलब ये डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। सो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब देखिए 9 से कैसे करते हैं डिविजिबल, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उन डिजिट्स का सम निकालना है, इज डिविजिबल बाय 9, उन डिजिट्स का सम मतलब 9 से डिविजिबल है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, वो नंबर क्या 9 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सिक्स 9 3, ठीक है, और क्या होगा इसमें, ठीक है, ये नंबर है आपका, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तीनों डिजिट्स का सम कितना हो रहा है, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18, 89 से डिविजिबल होता है, यस, ठीक है। तो क्या है, 9 2 18 होता है। अब इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, ठीक है। अब क्या है यहां पर, कितना बचेगा, 6 63 हो रहा है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर और लेता हूं मैं, 3 9 6 3, ठीक है, ये नंबर है। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं 9 से, तो क्या करूंगा मैं, इसको चेक करता हूं, ठीक है। 3 प्लस 9 क्या होगा, 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21, तो 21 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, मतलब ये नंबर आपका नहीं है, आए समझ में। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाई 10, 10 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। इफ ए नंबर हैज 0 इन इट्स वंस प्लेस, वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, देन इट इज डिविजिबल बाई 10। सिंपल है, जैसे कोई नंबर है आपका 780, वंस प्लेस पर क्या है, 0, ठीक है, मतलब ये 10 से डिविजिबल है। आपका है 9800, ये नंबर भी क्या है, 10 से डिविजिबल है। 4 6 8 9 0, ये नंबर भी क्या है आपका, 10 से डिविजिबल है, आया समझ में। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देखिए हमको चेक करना है नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, उसकी डेफिनेशन है, उसका रूल है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस।
अब क्या उनका डिफरेंस निकालना है, मुझे सम करना है किसका, ऑड प्लेसेस पर, ठीक है, नंबर है फ्रॉम द राइट, राइट साइड से, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेस, इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका सम करना है फ्रॉम द राइट, राइट हैंड साइड से ऑफ द नंबर, इफ द नंबर इज आइदर जीरो, नंबर में मतलब क्या है जीरो आए, या क्या है डिविजुअल बाय 11, 11 आए मतलब 11 के टेबल में आए, ठीक है, 11 से डिवाइड हो तो क्या बोलेंगे, वो नंबर 11 से डिविजुअल है। चलिए देखते हैं फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैंने लिया है 308, ये लिया है, ठीक है, अब ये नंबर है, अब देखिए इसमें क्या है ऑड प्लेस बोला है फ्रॉम द राइट, राइट साइड पर ऑड नंबर क्या होंगे आपके 8 और 3, ठीक है, मैं इन दोनों का सम करूं, सम क्या होगा 8 प्लस 3 क्या होगा 11, ठीक है, और इवन नंबर क्या होगा मेरा 0, ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या होगा 11 माइनस 0 क्या होगा 11, तो आप बताइए 11 डिविजिबल है, 11 से 11 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये क्या है डिफरेंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, मैं लेता हूं 1331, ये नंबर लिया, ठीक है, इसमें देखिएगा आप ऑड पर क्या क्या है, ऑड पर आपका 1 है और 3 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 1 प्लस 3 4, इवन भी क्या है 4 है, ऑड भी 4 है, अब इनका डिफरेंस निकाल लूं 4 माइनस 4 0, तो आपसे क्या बोला इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, 0 है मतलब ये क्या है, ये नंबर भी क्या है आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए एक नंबर और लिखता हूं मैं 61809, अब इसको चेक करना है, कैसे चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ऑड प्लेस वालों को ऐड करूंगा, ठीक है, ऑड पर क्या है ये है 6 प्लस 8 प्लस 9 क्या होगा 15 प्लस 8 23, ठीक है, अब इवन पर क्या है 1 प्लस 0 1, अब डिफरेंस निकालूं क्या होगा मेरा 23 माइनस 1 22, अब ये क्या 22 11 से डिविजिबल है, मतलब क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है हमको, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, से यस और नो, मतलब ये नंबर दिए हुए हैं आपको, इनको बताना ये डिविजिबल है या नहीं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 एंड 11। तो हमने अभी करा आपको, मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कैसे करते हैं, अब देखिए इस नंबर को मुझे चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या चेक करूंगा मैं इसकी बंस प्लेस पर क्या है, देखो इसमें इस नंबर में बंस प्लेस पर क्या है, इसमें 8 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर 990, अब इसमें बंस प्लेस पर क्या है 0 है, मतलब मैंने क्या बताया तो उसमें क्या होना चाहिए 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 ये हूं बंस प्लेस पर, तो वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। अब देखिए सेकंड नंबर है 990, अब क्या है 0 है, मतलब ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, यस लिखोगे आप इसमें। अब देखिए थर्ड नंबर है आपका, अब इसमें बंस प्लेस पर क्या है 6 है, ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 5 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नो लिखोगे।
अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 6686, तो वंस प्लेस पर क्या है 6, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट नंबर है 639210, अब वंस प्लेस पर क्या है 0, मतलब ये भी क्या है डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 429714, वंस प्लेस पर क्या है 4 है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। 2856, वंस प्लेस पर क्या है 6, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। अब देखिए 3060, ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल है, क्यों है 0 है, ठीक है। इस तरीके से हम यस और नो में जवाब देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। आप देखिए 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 का आपको क्या बताया मैंने रूल, डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम जो भी आएगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए हम इसका पहले का करते हैं, 1 + 2 = 3, 3 + 8 कितना होगा 11, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए 990, अब 990 को देखिए हम कैसे करेंगे, 9 + 9 + 0 क्या हो जाएगा ये 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 से जा, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 1586, 1586 ऐड करिए, 1 + 5 = 6, 6 + 8 = 14, 14 + 6 = 20, 23 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए इसका आंसर नो होगा। 275 क्या होगा इसका सम, 2 + 7 = 9, 9 + 5 = 14, 14 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है आपका 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 6 = 26, 26 आता है क्या 3 के टेबल में, नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 639210, अब ऐड करते हैं 6 + 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 1 = 21 + 0 क्या हुआ 21, 21 आता है आपका 3 के टेबल में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यस। इसका क्या होगा 2 + 8 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 6 = 21, इसका आंसर क्या होगा यस। एक मिस हो गया, देखिए 4 + 2 = 6, 6 + 9 क्या होगा 15, 15 + 7 = 22, 22 + 1 = 23, 23 + 4 = 27, 27 आता है आपका 3 के टेबल में यस। अब लास्ट है आपका 3 + 0 = 3, 3 + 6 = 9, 9 + 0 = 9, तो मतलब 9 भी आता है, आया समझ में। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 से। आप देखिए 4 से चेक करते हैं, 4 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल, तो हम चेक करते हैं इस पर क्या है 28, 28 4 से डिविजिबल होगा क्या, 4 7 या 28, तो इसका आंसर क्या होगा यस। नेक्स्ट नंबर क्या है 90, 90 आपका 4 से डिविजिबल होगा क्या, 4 2 8 10, मतलब नहीं होगा, ठीक है 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा नो। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है आपका 1586, 86 होगा क्या 4 से डिविजिबल, 4 2 8 4 1 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है तो ये भी इसका आंसर क्या होगा नो। नेक्स्ट नंबर 75 होगा क्या 4 से डिविजिबल, 4 1 4, ठीक है 35 नहीं आता, मतलब ये भी क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 86 होगा क्या, चेक करते हैं,
86 डिवाइडेड बाय 4 अभी किया था, नहीं आएगा, मतलब नो। अब लास्ट क्या है 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 ये भी नहीं होगा, नो। ठीक है 14 नहीं आता 4 के टेबल में, नो। 56 को कर देखते हैं, 4 1 4 4 4 16 इसका होगा यस। ठीक है अब आपका नेक्स्ट है 3060, अब 60 को कर देखते हैं 4 से, 4 1 4 2 0 4 5 20 इसका क्या होगा यस। आया समझ में किस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 का, 5 के लिए क्या रूल बताया मैंने आपको, लास्ट में क्या होना चाहिए वंस प्लेस पर 0 या 5। अब देखिए हम नंबर में देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है वंस प्लेस पर 8 है, मतलब ये इसका आंसर क्या होगा नो। अब देखिए इसमें वंस प्लेस पर क्या है 0 है, मतलब यस ये हो जाएगा। वंस प्लेस पर क्या है 6, नो। वंस प्लेस पर क्या है 5, ये हो जाएगा। ठीक है वंस प्लेस पर क्या है 6, नहीं होगा। ठीक है वंस प्लेस पर क्या है 0, हो जाएगा। वंस प्लेस पर क्या है 4, नहीं होगा। ठीक है वंस प्लेस पर 6, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है वंस प्लेस पर क्या है 0, ये हो जाएगा 5 से डिविजिबल। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 6 से। अब 6 का कैसे मालूम करते हैं, जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो हम पहले इसमें देखते हैं, देखिए ये नंबर 2 से है 3 से नहीं है, मतलब ये नंबर आपका किससे नहीं होगा 6 से नहीं होगा। ठीक है अब देखिए ये नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 से हो जाएगा डिविजिबल। क्लियर है। अब देखिए ये नंबर है, अब देखिए 2 से है 3 से नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। आया समझ में। नेक्स्ट नंबर है ये, अब देखिए इस नंबर 275, ये 2 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है, ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट नंबर है 6686, ये 2 से है 3 से नहीं है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है अब देखिए ये नंबर है 639210, ये 2 से भी है 3 से भी है, मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है अब देखिए 429714, ये 2 से डिविजिबल भी है 3 से भी है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है अब नेक्स्ट नंबर है आपका 2856, ये देखिए 2 से डिविजिबल भी है 3 से भी है, ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 3060, ये 2 से भी है 3 से भी है, तो ये आपका 6 से भी हो जाएगा। आया समझ में। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका 8, 8 के लिए क्या रूल बताया मैंने आपको, 8 के में क्या करते हैं हम लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर देखते हैं। ठीक है अब इसमें क्या है 128 को मैं 8 से डिवाइड कर देखूंगा। ठीक है 128 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8 4, ठीक है 8 6 48, तो ये हो रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा यस। ठीक है अब देखिए इसमें 3 डिजिट्स हैं, 990 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, नहीं होगा। ठीक है आप कर देख लेना, 86 होगा क्या, 8 10 80, 8 11 80, 8 नहीं होगा। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 275, ये होगा क्या 8 से डिविजिबल, ये भी नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट नंबर है 6686, अब इसमें 686 को हम कर देखेंगे, 686 को 8 से डिविजिबल। ठीक है 8
एट जा 64, ठीक है, 4 6, 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है इसमें, 210, 714, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 56 है, ये हो जाएगा, 87 या 56 होता है, इसलिए यस। अब देखिए इसमें 60 है, ये होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 9 से। 9 के लिए क्या रूल बताया था मैंने, उनके डिजिट्स का सम करेंगे, वो 11 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल है, मतलब 9 के टेबल में आता है, तो फिर वो 9 से डिविजिबल है। अब देखिए 128 है, मैं क्या करूंगा, 1 + 2 + 8 डिजिट्स का सम करूंगा, क्या हुआ, 11। ये 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 990 को करते हैं 9 + 9 + 0, तो क्या होगा, 9 + 9 = 18, 18 + 0 = 18, ये आता 9 के टेबल में, 9 2 = 18, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, अब देखिए इसका करूंगा मैं, तो इसका आंसर भी नो आएगा, नहीं होगा। इसको करेंगे आप नो, इसको करेंगे आप नो, ठीक है, इसको करेंगे आप नो। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, अब इसको करेंगे तो 4 + 2 = 6, 6 + 9 = 15, 15 + 7 22, 22 + 1 क्या होगा, 23 + 4 27, 9 3 = 27, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप कर देख लेना, 3 + 0 = 3 + 6 = 8 9 9 = 9। नेक्स्ट है 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 10 के लिए क्या बताया था मैंने, लास्ट में 0 आता है, तो वो क्या है, 10 से डिविजिबल है, तो देखिए इसमें 0 है वंस प्लेस पर, नो, इसमें है यस, इसमें नहीं है नो, इसमें 5 है नो, इसमें 6 है नो, इसमें 0 है, मतलब ये हो जाएगा यस, इसमें 4 है नो, इसमें 6 है नो, इसमें 0 है यस, ठीक है। अब लास्ट बचा आपका 11 से टेस्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। अब देखिए क्या है 128, इसके लिए क्या रूल बताया था मैंने आपको, राइट हैंड साइड से और डिजिट्स का सम और इवन डिजिट्स का सम, उन दोनों का डिफरेंस 0 आता है, या फिर क्या आता है, 11 का मल्टीपल, तो मतलब वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। चलिए इसका निकालते हैं, ऑड का क्या आएगा इसमें, ऑड इवन डिफरेंस, ठीक है। ऑड का क्या आएगा, 8 + 1 = 9, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2, डिफरेंस क्या होगा, 9 - 2 = 7, मतलब ये नहीं होगा, नो। देखिए इसमें निकालते हैं सेकंड वाले में, 0 + 9 = 9, 9 - 9 डिफरेंस क्या है, 0, मतलब ये डिविजिबल है 11 से, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 1586, देखिए 6 + 5 = 11, 8 + 1 = 9, 11 - 9 = 2, मतलब ये भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 275, 5 + 2 = 7, 7 - 7 = 0, मतलब ये नंबर है, ठीक है। ये होगा क्या, 6 + 6 = 12, 8 + 6 = 14, 12 14 -
ट्वेल्व टू नहीं होगा ये, ठीक है, ये वाला होगा क्या, देखिए जीरो प्लस टू प्लस थ्री फाइव, क्या आया फाइव, यहां पर क्या आएगा वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, इसका क्या होगा सिक्सटीन माइनस फाइव इलेवन, मतलब ये आपका डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसका चेक करते हैं, वन प्लस सेवन प्लस टू फोर प्लस सेवन इलेवन, इलेवन प्लस टू थर्टीन, वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन, इसका डिफरेंस कितना आएगा वन, मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब इसका करते हैं सिक्स प्लस एट फोर्टीन, फाइव प्लस टू सेवन, फोर्टीन माइनस सेवन सेवन, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं जीरो नाइन, नाइन माइनस जीरो नाइन, ये भी नहीं है। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, आया समझ में आपको। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर बाय एट। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को आपको बताना है फोर से डिविजिबल है या नहीं, या ये सेम नंबर एट से डिविजिबल है या नहीं। पहले उसके लिए रूल क्या है, फोर के लिए पहले हम फोर से करते हैं, फोर के लिए रूल क्या है, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट की टू डिजिट्स, टू डिजिट्स हैं वो फोर से डिविजिबल हैं, तो मतलब वो नंबर पूरा नंबर क्या है फोर से डिविजिबल है। चलिए हम चेक करते हैं, 572, लास्ट टू डिजिट्स क्या है इसमें 72, 72 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 4 बन गया 4, ठीक है, 3, 2, 4, 8 जा 32, मतलब ये 4 से डिविजिबल है। आए समझ में, कैसे चेक करना है, आप देखिए इसको चेक करेंगे b को 52, अब इसमें क्या है 52 को मैं क्या 4 से डिवाइड कर कर देखूंगा, 4 बन जा 4, 1 2 4 3 जा 12, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 4 पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है 5500, मतलब लास्ट में क्या दो जीरो हैं, मतलब ये नंबर भी आपका क्या है फोर से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर है, लास्ट में क्या है टू डिजिट्स क्या है जीरो जीरो, मतलब ये नंबर भी आपका फोर से डिविजिबल है। अब देखिए इसमें क्या है 59, 59 हम चेक करते हैं, 59 डिवाइडेड बाय 4, 4 बन जा 4, 19, 4 4 जा 16, क्या होगा रिमाइंडर क्या आया 3, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा ये नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 से, ठीक है, 8 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट 3 डिजिट्स, क्या होता है लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। चलिए हम चेक करते हैं इसकी 3 डिजिट्स हैं, इसमें करते हैं 872 डिवाइडेड बाय 8, 572, ठीक है, 8 7 जा 56, ठीक है, क्या है आपका रिमाइंडर 1 2, 8 बन जा 8, रिमाइंडर क्या आया 4, मतलब ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करेंगे, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 352, 352 को हम चेक करेंगे, ठीक है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 3, 2,
एट फोर जा 32, ये नंबर आपका क्या है, पूरा होल नंबर क्या है, मतलब ये आपका 8 से डिविजिबल है। आया समझ में? अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं, इसकी लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 6 48, ठीक है, क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 20, मतलब ये नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, लास्ट थ्री जीरोस हैं, मतलब ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं 159 डिवाइडेड बाय 8, 8 बन जाए 8, 79, ठीक है, 8 9 जा 72, क्या रहा रिमाइंडर, 7, मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं है। सो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है आपका एफ। एफ पार्ट में क्या है आपका, 14560। अब हम इसको चेक करेंगे डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट टू डिजिट्स देखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें लास्ट टू, इसमें लास्ट टू, इसमें लास्ट टू, इसमें लास्ट टू, ठीक है। आप देखिए 4 से हो जाएगा क्या 60, 4 1 जा 4, 20, 4 5 जा 20, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 84 है, मतलब 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 72 है, क्या हो जाएगा, 72, 4 1 जा 4, ठीक है, 32, 4 8 जा 32, मतलब ये भी आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 जीरोस हैं लास्ट में, तो मतलब ये भी 4 से डिविजिबल है। अब ये है 50, चलिए इसको चेक करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब ये नहीं है। आया समझ में? आप देखते हैं 8 से, 8 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट थ्री डिजिट्स, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 560 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, 0, मतलब ये है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 084 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 जा 72, ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 700 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जा 64, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 6, 0, 8 7 जा 56, रिमाइंडर क्या आएगा, 4, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है, 150 को हम चेक करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, ठीक है, कितना बचेगा यहां पर, 70, 8 8 जा 64, कितना बचा, 6 रिमाइंडर, मतलब ये नंबर भी नहीं है। तो बच्चों, आया आपको समझ में किस तरीके से हम चेक करते हैं नंबर डिविजिबल है या नहीं 4 से और 8 से।
सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब आपको बताना ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए उसके लिए रूल क्या होता है, उसके लिए रूल होता है ये नंबर 2 से डिविजिबल है मतलब और 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले क्या चेक करेंगे ये 2 से और 3 से, फिर उसके बाद में हम बताएंगे ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं बाई 2 बाई 3 दोनों से होगा तो मतलब वो 6 से होगा बाय 6। ठीक है, क्या होता है रूल 2 के लिए, क्या होता है हम 2 के लिए क्या होता है रूल, लास्ट की डिजिट चेक करते हैं। वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए 0, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर आपका 0 2 4 6 8 मतलब वो 2 से डिविजिबल है। चलिए हम चेक करते हैं वंस पर क्या है 4 है मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, वंस पर क्या है 8 ये भी 2 से डिविजिबल है, वंस पर क्या है 5 मतलब ये नहीं है, वंस पर क्या है 3 ये नहीं है, वंस पर क्या है 2 ये है। आया समझ में? आप देखिए 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, 3 के लिए हम चेक करते हैं क्या डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, डिजिट्स का सम जो भी आएगा वो 3 के डिविजिबल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसमें आपका क्या है 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 ऐड करते हैं 2 + 9 = 11 11 + 7 = 18 18 + 1 = 19 19 + 4 = 23 23 + 4 = 27 ये नंबर आपका 3 के टेबल में आता है 3 9 = 9 मतलब ये आपका 3 से डिविजिबल है। अब देखो ये दोनों 2 से भी ये 3 से मतलब ये 6 से भी होगा। ठीक है, अब चलिए इसको चेक करते हैं क्या होगा 1 + 2 + 5 + 8 क्या होगा 3 + 5 = 8 8 + 8 = 16। अब 16 आपका 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। अब देखिए ये 2 से है 3 से नहीं है मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट नंबर है आपका 4 3 3 5 4 3 3 5 ऐड करते हैं 7 + 8 = 15 ये क्या 3 से डिविजिबल है, यस 3 5 = 15 बट देखिए बट 2 से नहीं है ये नंबर तो मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका 6 + 1 + 2 + 3 + 3 ऐड करते हैं 6 + 1 = 7 7 + 2 = 9 9 + 3 = 12 12 + 3 = 15 ये नंबर है आपका 3 से डिविजिबल बट ये 2 से नहीं है तो क्या होगा ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 9 0 1 3 5 2 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 कितना हो जाएगा 10 10 + 3 13 13 + 5 18 18 + 2 20 अभी आता है 3 के टेबल में, नहीं आता। ठीक है, तो मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आया समझ में? सो नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है आपका 4 3 8 7 5 0। अब हम इसको चेक करते हैं किससे, 2 से। 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, वंस डिजिट पर क्या है 0 मतलब ये 2 से डिविजिबल है, वंस डिजिट पर क्या है इसमें 4 मतलब ये 2 से डिविजिबल है, इसमें क्या है 3 नहीं है, इसमें क्या है 0 यस, इसमें क्या है 2 यस। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या, पहले हम सम करेंगे
फोर डिजिट्स का, 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0 कितना होगा, 7 + 8 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 5 = 27 मतलब ये 3 से डिविजिबल है। क्यों, 3 के टेबल में आता है, 3 × 9 = 27। नेक्स्ट नंबर आपका 17 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4 ऐड करते हैं 1 + 7 = 8 + 9 = 17 17 + 1 = 18 18 + 8 26 + 4 = 30 आता है कि 3 के टेबल में 3 × 10 = 30। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है आपका 1 + 2 + 5 + 8 + 3 क्या होगा, 3 + 5 = 8 8 + 8 = 16 16 + 3 = 19 तो मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 क्या होगा, 9 + 9 = 18 18 + 2 = 20 + 1 = 21 मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 + 7 8 + 8 = 16 + 5 = 21 + 2 = 23 मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। आए समझ में, अब हम निकालेंगे 6 से, तो 6 से कैसे निकालेंगे, ये नंबर 2 से डिविजिबल है 3 से है, तो मतलब ये 6 से भी होगा। ये नंबर आपका 2 से है 3 से है, ये 6 से भी होगा। ये नंबर 2 से नहीं 3 से नहीं है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 2 से है 3 से है, 6 से भी डिविजिबल होगा। ये नंबर 2 से है बट 3 से नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। आए समझ में किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। अब हमको चेक करना है ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए इसके लिए रूल क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम, और इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम, और उनका डिफरेंस क्या है, जीरो आए या 11 का मल्टीपल हो, तो मतलब वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। चलिए हम करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, डिजिट्स का सम करेंगे। ठीक है, सम ऑफ इवन इवन डिजिट्स, ठीक है, और यहां पर डिफरेंस, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलेगा, देखिए इसमें नंबर है आपका ऑड प्लेस पर क्या है, 5 4, ठीक है, 5 + 4 क्या होता है, 9। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इसमें 5 + 4 = 9, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, 9 - 9 = 0 मतलब क्या है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4 + 8 + 1 क्या होगा, 4 + 8 + 1 क्या होगा, 13। क्या होगा, 2 + 0 = 0, 2 + 0 = 2 डिफरेंस क्या होगा, 13 - 2 = 11 मतलब 11 11 के टेबल में आता है, 11 बन जा, तो मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर आपका, चलिए हम इसमें सम करते हैं, 5 + 9
प्लस थ्री प्लस सेवन क्या होगा, फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, ठीक है, थ्री प्लस सेवन टेन, ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सिक्स प्लस एट प्लस वन, सिक्स प्लस एट फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, डिफरेंस क्या होगा, ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन क्या होगा आपका, फोर्टीन माइनस फाइव क्या होगा, नाइन, तो आपका डिफरेंस क्या है, नाइन। ये नंबर होगा क्या आपका इलेवन से डिविजिबल, नहीं होगा, क्यों, यहां पर क्या आना चाहिए, या जीरो आता है या इलेवन का मल्टीपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है, एट थ्री सिक्स जीरो, प्लस करते हैं एट प्लस थ्री इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन प्लस जीरो सेवनटीन क्या है, फिर जीरो प्लस नाइन प्लस वन प्लस सेवन, जीरो प्लस नाइन प्लस वन प्लस सेवन क्या होगा, सेवनटीन क्या होगा, सेवनटीन माइनस सेवनटीन डिफरेंस क्या है, जीरो, मतलब क्या होगा, ये इलेवन से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा, वन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन क्या होगा, वन, वन माइनस वन जीरो, मतलब ये भी आपका इलेवन से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, थ्री प्लस वन प्लस जीरो कितना होगा, फोर, फाइव प्लस वन प्लस नाइन, फाइव प्लस वन सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन, डिफरेंस कितना होगा, फोर माइनस फिफ्टीन माइनस इलेवन, मतलब ये क्या, इलेवन से डिविजिबल होगा, यस। आया समझ में आपको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट दी स्मॉलेस्ट डिजिट एंड दी ग्रेटेस्ट डिजिट इन दी ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स सो दैट दी नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय थ्री। अब क्या करना आपको, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी डिजिट और सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट, ठीक है, डिजिट लिखना है आपको किसमें, ब्लैंक स्पेस पर, तो वो क्या हो, वो नंबर आपका थ्री से डिविजिबल हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, थ्री के लिए क्या होता है, हम डिजिट्स का सम करेंगे, ठीक है, क्या होगा, सिक्स प्लस सेवन प्लस टू प्लस फोर क्या होगा, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन, अब देखिए नाइनटीन है, अब मैं इसमें क्या प्लस करूं, सबसे छोटी डिजिट, तो क्या हो, टू प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ट्वेंटी वन, इसके बाद में ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी, ठीक है, मतलब इसमें मैं टू प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा, ट्वेंटी वन, इसमें फिर मैं कितना प्लस करूंगा, फाइव प्लस करूंगा तो क्या आएगा आपका, ट्वेंटी फोर, ठीक है, एट प्लस करूंगा क्या आएगा, ट्वेंटी सेवन, और 11 प्लस करूंगा क्या आएगा, 30। अब देखिए मुझे स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी मेरी, 2 हो जाएगी, मतलब मैं 2 ऐड कर दूंगा इस पर तो क्या होगा, 21 सम, मतलब ये नंबर 2 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या होगा मेरा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या होगा स्मॉलेस्ट, क्या होगा 2, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट क्या प्लेस कर सकता हूं मैं इसमें बताइए, ठीक है, देखिए 5 करूंगा क्या होगा 24, 8 करूंगा 27, 11 करूंगा 30, बट क्या ये टू डिजिट नंबर है, मुझे क्या चाहिए सिंगल डिजिट नंबर,
तो मैं क्या करूंगा, 8 प्लस कर दूंगा, 19 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 27। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 26724, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 86724। आए समझ में कैसे हमने फिल किया, क्या होगा, स्मॉलेस्ट में 2 फिल हो जाएगा और ग्रेटेस्ट में 8। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, इसमें भी सेम करना है, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 करते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 22 प्लस 2 24। आप देखिए 24 आपका 3 के टेबल में आता है, यस, तो मतलब मैं सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 प्लस कर दूं, मतलब इस प्लेस पर क्या रख दूं, 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर दूं मैं, 0, स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 0, तो क्या होगा, 24 होगा। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या रख सकता हूं मैं, अब देखिए इसमें मैं 0 प्लस करूंगा क्या होगा, 24। अब इसमें मैं 3 प्लस करूंगा क्या होगा, 27। 6 प्लस करूंगा क्या होगा, 30। ठीक है, 24 प्लस 9 करूंगा क्या होगा, 33। तो बिगेस्ट नंबर क्या, 9, मैं क्या करूंगा, 9 फिल कर दूंगा, तो क्या होगा, 33 आएगा। 33 क्या है आपका, 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, यस, 3 11 जा 33। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करूंगा, लार्जेस्ट में, ग्रेटेस्ट क्या होगा, 9। ठीक है, यहां पर भी लार्जेस्ट की जगह क्या कर लो, ग्रेटेस्ट। आए समझ में किस तरीके से हम फिल करेंगे, क्या नंबर बनेगा यहां पर, 4 7 6 5 0 2, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 4 7 6 5 9 2। आए समझ में, इस तरीके से ये नंबर्स बनेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11। अब क्या करना है आपको, डिजिट लिखना है कहां, ब्लैंक स्पेस पर, कौन सी डिजिट लिखना है जो जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए 11 से। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ही बात तो क्या है, इसका रूल क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी का, क्या होता है, इवन प्लेस पर और ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है, निकालते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या, जीरो आए या फिर क्या आए, 11 का मल्टीपल आए, तो क्या है वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, ये है, ये नंबर है आपका, ब्लैंक स्पेस नहीं मालूम हमको, नहीं मालूम तो हम क्या सपोज क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इवन ऑड प्लेस पर क्या है, 9 है, 3 है, 2 है, इनका हम सम करेंगे, क्या करेंगे, सम, सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेसेस का सम करेंगे क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, 12, 12 प्लस 2 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस का सम करेंगे, इवन प्लेस का सम करेंगे क्या होगा, 8 प्लस एक्स प्लस 9 क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स प्लस 9, इसको और मैं क्या लिख सकता हूं,
9 प्लस 8 17 प्लस एक्स, ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 14 हम क्या करेंगे इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, 17 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है। अब देखिए हम माइनस करते हैं क्या होगा, 17 माइनस 14 कितना होगा, 3 प्लस एक्स। अब देखिए मैं 3 में क्या प्लस करूं तो मेरा नंबर क्या हो, 11 आ जाए, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, 3 प्लस 8, एक्स की वैल्यू में 8 रख सकता हूं, 11 आ गया, ठीक है। आप इसको 11 की इक्वल कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, 11 एक्स इक्वल 11 माइनस 3, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8, आया समझ में। तो क्या होगा, क्या नंबर आएगा आपका, 8, 8 आप पुट करोगे ब्लैंक स्पेस पर तो वो क्या होगा, ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, आया समझ में। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, अब हम इसमें सम करते हैं ऑड प्लेस का, ऑड पर क्या है, 4 यहां पर कुछ नहीं मतलब एक्स है, ठीक है, एक्स प्लस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8, ठीक है, यहां पर क्या होगा, 8 प्लस 9 प्लस 8 क्या होगा, 8 प्लस 9 प्लस 8 क्या होगा, 25, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, क्या करूंगा मैं, 25 माइनस एक्स प्लस 8, इसको 11 के इक्वल रखूंगा, ठीक है, 25 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू 11, ठीक है, ये क्या हो जाएगा नंबर, 25 माइनस 8 क्या होगा, 17, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 11। अब देखिए इस 17 को मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या हो जाएगा, 11 माइनस 17 क्या होगा, माइनस 6, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 6, ठीक है, तो मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा एक्स के स्पेस पर, क्या पुट करूंगा, 6, ठीक है, आया समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ, थैंक यू।